हाय गाइस एंड वेलकम टू द वीना डिकोड्स। 2023 ऐसा लग रहा है एक झटके में खत्म हो गया एंड ऑल दैट आई कैन से दैट आई एम वेरी मच ग्रेटफुल दैट जो भी 2023 में हुआ वाज अमेजिंग। लोग बोलते यू नो जब बहुत अमेजिंग समय बीतता है तब भी ऐसा लगता है कि ना झटके से खत्म हो गया। मुसीबत का वक्त ऐसा लगता है जैसे बीत ही नहीं रहा है। एंड आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि 2023 झटके में चला गया देन आई एम श्योर इवन योर ईयर मस्ट बी अमेजिंग। तो इसी खुशी के साथ लेट्स वेलकम 2024। तो आज मैं लास्ट डे पे बैठी हूँ 2023 के 31st December एंड माई हार्ट इज फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड। आई मीन लास्ट कुछ दिनों वॉज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। यू नो आप लोगों को पता है लाइक माई मदर इन लॉ वॉज इन द हॉस्पिटल, शी हैड एन ऑपरेशन, माई डैड वॉज इन द हॉस्पिटल, ही हैड सम प्रॉब्लम्स एंड फाइनली बोथ ऑफ देम आर बैक होम। तो एनी हॉस्पिटल और घर के चक्कर में कुछ खास प्लान करना हुआ नहीं। और जिंदगी जब खास होती है तब कुछ खास प्लान करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो आई थॉट वाई नॉट मेक यू नो लाइक एवरी डे टूडे एक्सट्रीमली स्पेशल। एक्चुअली लास्ट कुछ दिन लियाना का स्कूल नहीं था और ये क्या बोलते क्रिसमस हॉलीडे, तो मैंने रियलाइज किया यू नो शी गेट्स लिटिल बोर्ड जब घर पे है। ये घर पे खेल खेल के स्कूल में जब जाती है बहुत खुश रहती है, ये मैंने रियलाइज किया आफ्टर शी इज एट होम। तो मैं उसका जो सुबह है उसको एक्टिविटी फिल्ड बना देती हूँ। सो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू कि अलियाना दिविशा बहुत सर्दी जुखाम से भुगत रहे थे, इनफैक्ट पूरा घर। बट वन थिंग दैट आई मेड अ करेक्शन दैट इज मालिश करने के तुरंत बाद नहलाना नहीं चाहिए, जो गलती मैं कर रही थी मैंने वो करेक्शन किया पिछले 10 दिनों से। एंड इन स्पाइट ऑफ यू नो टेकिंग आउटडोर शावर, आधे आधे घंटे तक दोनों बच्चे नहाते हैं, दे आर नॉट फॉलिंग सिक, दे आर नॉट कैचिंग कोल्ड। इट इज बिकॉज मालिश जब हम करते हैं ना बच्चों का तो बॉडी में बहुत गर्माहट पैदा होती है, जो ब्लड वेसल्स का जो मुंह है वो खुल जाता है मालिश की वजह से। और इसीलिए बोलते हैं यू नो शरीर में ब्लड फ्लो अच्छा होता है, इसीलिए बच्चे तंदुरुस्त और जल्दी जल्दी बढ़ते, हड्डियां स्ट्रांग होती है। लेकिन जब हम वो गलती करते हैं कि मालिश करने के तुरंत बाद नहला देते हैं, वो खुले हुए ब्लड वेसल्स में फट करके ठंडी लग जाती है। सो इट इज बेटर टू गिव अ हाफ एन आवर गैप। तो आज लियाना दिविशा का सुबह सुबह मालिश हो गया है। आधे घंटे के बाद हम लोग नहाने का एक नया तरीका ढूंढा है, विच इज फन, विच इज क्यूट, विच इज यू नो अब्सॉर्बिंग, विच इज टाइम पास एंड विच इज एंगेजिंग। तो इसीलिए आज हम लोग पानी भर रहे हैं और ऐसा हम लोग पिछले 10 दिन से कर रहे हैं बिकॉज छुट्टी है। सो नहाना इज इन द आउटडोर इन अ छोटा बेबी पूल। तो बेबी पूल को हम सबसे पहले भर लेते हैं पानी से और उसमें हम लोग डकीज और तैरते हुए मगरमच्छ और बेयर छोड़ देते हैं, बॉल भी छोड़ते हैं सो दैट द बेबी प्ले विथ बॉल एंड डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। और उसमें गरम गरम पानी भर देते हैं क्योंकि आउटडोर है, थोड़ा सा धूप भी आता है। तो यहाँ पे हम लोग हाफ एन आवर एकदम मस्त स्विमिंग करते हैं जहाँ पे लॉट्स ऑफ छप छप होता है, लॉट्स ऑफ यू नो गिरना पड़ना होता है पानी में, पानी का जो डर भी निकल जाता है क्योंकि यू नो पानी में मुंह डालते हैं, पानी में के अंदर हम लोग बुड़बुड़ 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 आवाज करते हैं। तो यू नो स्विमिंग पूल वैसे भी इन लोगों का डर तो मुझे नहीं लगता है, बट फिर भी जो छोटा मोटा भी डर है स्विमिंग सीखते टाइम जो मैंने महसूस किया था वो भी चला जाए एकदम। प्लस ये थोड़ा सा थकावट भी दे देता है तो इसके बाद बच्चे सो जाते हैं।
बिस्कुट खाएगी बिस्कुट एक लो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा कि खाने का रेसिपी बताओ क्योंकि किसी की मम्मी को डायबिटीज है हाइपरटेंशन है किसी ना किसी को कुछ ना कुछ लगा ही रहता है यू नो इट्स जस्ट नॉट इन आवर कंट्रोल अभी क्या ही करें लेकिन अगर हेल्दी खाना है वो तो हमारे कंट्रोल में है तो आजकल मैं खाना खुद ही बना रही हूँ तो लास्ट डे भी इज नॉट एन एक्सेप्शन बच्चे और माता पिता के लिए मैं ही खाना बना रही हूँ और मेरे साथ आप ये खाना बनता हुआ देख रहे हैं तो आज मैं बनाऊंगी पाइनएप्पल रसम हेल्दी खाना मतलब ये नहीं कि यू नो बोरिंग हो हेल्दी खाना हैज टू बी टेस्ट So, pineapple rasam is our first recipe. Then drumstick soup, जो evening में पियेंगे बड़े बच्चे सब. And couscous upma for lunch and मूली का पराठा. So, काफी tasty भी है. आप सुन के ही ऐसा लग रहा है. अभी बनाने के बाद कितना tasty होगा तो वो बच्चे बताएंगे पापा बताएंगे क्योंकि पापा भी बहुत फिनिकी है खाने के मामले में. हाँ मैंने कल थोड़ा सा बोरिंग सूप बनाया था सुबह तो पापा ने ऐसे खा के बोला मुझे उल्टी आ रही है. शाम को मैंने उसी सूप को बच्चों को भी मतलब बच्चे भी ने भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने लौकी का सूप बनाया था. फिर मैंने लौकी के सूप में डाल दिया तिल तिल को पेस्ट करके यू नो ड्राई फ्राई करके तिल को पेस्ट करके डाल दिया तो वो सूप थोड़ा सा क्रीमी भी हो गया. तहीनी बोलते हैं उसको एक्चुअली इंग्लिश में बट जब मैंने उसको सूप में डाल दिया सूप थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया और उसमें एक माइंड ब्लोइंग तिल का फ्लेवर भी आ गया तो बच्चे पापा वापस से उसी सूप को पी लिया विदाउट उल्टी आना. तो आज मैं सारा खाना बनाऊंगी विच वुड बी हेल्थी एज वेल एज टेस्टी. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ पाइनएप्पल रसम. देखिए आप लोगों के लिए मैं बालकनी में आके खाना बना रही हूँ ताकि क्लियर कट आप लोगों को दिखे रेसिपी अच्छे से अपलोड हो पाए नहीं तो किचन में 10 काम के बीच में ना बहुत डिस्टर्बेंस होता है मैं कर नहीं पाती हूँ. तो मैंने सोचा खाना बना ही रही हूँ तो वाई नॉट डू इट विथ ऑल ऑफ यू. तो सबसे पहले उसके लिए आपको गरम करना पड़ेगा उबालना पड़ेगा तूर दाल. तो तूर दाल को उबालने के लिए सबसे पहले मतलब 2-3 घंटा सुबह ही मैंने भिगो दिया था 3 घंटे के लिए तूर दाल को गरम पानी में भिगो दीजिए धो के. उसके बाद उसको मैं कुकर में डाल के 5-6 सीटी मरवा लूंगी. तूर दाल को हम अच्छे से पहले पका लेंगे. तूर दाल में सीटी लग गया है इसको हम लोग साइड करके ठंडा करते हैं. जब तक कुकर खुलता है तब तक मैं सांभर बनाऊंगी क्योंकि मैं सांभर मसाला यू नो बाहर से खरीदने जा रही थी और मैंने देखा कि उसमें है लाल मिर्ची पाउडर. तो मैंने सोचा बच्चे तो खा नहीं पाएंगे लाल मिर्ची पाउडर तो बिना लाल मिर्ची पाउडर के मैं घर पे सांभर मसाला बनाऊंगी अभी इसी वक्त आप लोगों के सामने. सांभर मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए तूर दाल चना दाल उड़द दाल थोड़ा सा कड़ी पत्ता अखा धनिया अखा जीरा मेथी नमक हींग एंड टर्मरिक. तो अभी शुरू करते हैं. ड्राई रोस्ट करूंगी मैं इसमें थोड़ा सा तुअर दाल चना दाल और उड़द दाल. तो छुट्टी के दिन लियाना इसी तरीके से बैठ बैठ के देखती है मैं खाना बना रही हूँ. लियाना आज हम क्या बना रहे हैं? पाइनएप्पल रसम. तुमने स्कूल में खाया ना? देखा जाए तो सच बताऊं मैं जेन्युइनली तो लियाना के स्कूल में जो जो खाना बनता है ना रोज उसका मेनू आता है मेरे पास कि आज बच्चों के लिए ये बना कल बच्चों के लिए वो बना. तो
मैं वहां से ढूंढ ढूंढ के निकालती हूँ अलग अलग सब रेसिपी। याना सिट डाउन बच्चों, इधर हॉट हॉट है ना। हाँ गुड गर्ल। जैसे ये ब्राउनिश होने लगे इसमें हम डाल देंगे अक्का धनिया, कोरिएंडर सीड्स डालेंगे, अक्का जीरा विच इज लाइक जीरा सीड, इसको हम थोड़ी देर और भून लेंगे। जैसे ये भी थोड़ा सा भून जाए, कैसे पता चलेगा कि ये भून गया, इसकी खुशबू आने लगेगी बाहर बहुत प्यारी सी। तो उसमें डाल देना है मेथी, ज्यादा मेथी नहीं डालूंगी, कड़ी पत्ता उसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूंगी साथ ही में। देखिए तो मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आई एम ऑलरेडी गेटिंग सच अ ब्यूटिफुल फ्लेवर। इसको बोलते हैं खाना बनाने का सेटिस्फैक्शन, जब आपको पता है आप बना क्या रहे हो, एवरीथिंग इज सो हेल्थी। अभी इसमें मैं डालूंगी हल्दी, नमक और हींग। इन सबको मैं अभी अच्छे से भून लूंगी, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। That's it, आप देख सकते हैं ये पत्ता भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है। इसको अभी हम ठंडा करने दे देंगे, तवा ऑलरेडी काफी गर्म है तो मैं इसको ऑफ कर देती हूँ और इसको अलग से और नहीं भूनूंगी, इसको मैं ठंडा होने दूंगी और फिर इसको क्रश कर लूंगी। हो गया मेरा होममेड रसम तैयार। हमारा तूर दाल पक गया है, ज्यादा टाइम इसीलिए नहीं लगा क्योंकि इसको मैंने कहा था गर्म पानी में 3 घंटे के लिए मैंने पहले ही भिगो दिया था। One city and it is ready. अभी शुरू होने जा रहा है the entire recipe of pineapple rasam. जाहिर सी बात है मैं pineapple rasam बना रही हूँ तो उसके लिए चाहिए होगा हमें pineapple, थोड़े से pineapple हमें चाहिए होगा diced like this, और थोड़ा पाइनएप्पल का हम ऑलरेडी जूस बना लेंगे। मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ घी, तो ये हो गया। इसमें मैं डालूंगी कड़ी पत्ता, लोग मिर्ची विर्ची डालते हैं पर क्योंकि मैं मिर्ची डालना नहीं चाहती थी मैंने पूरा सांबर मसाला घर पे बनाया। इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर, already smelling yummy 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 in people's tummy, yummy 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 in people's tummy। इसमें मैं डाल दूंगी अभी पाइनएप्पल, wow I'm already getting such a good smell। इसको थोड़ा अच्छे से हम कुक कर लेंगे, बच्चे का सारा खाना भी बनेगा, मुझे आधा घंटा चाहिए। शूट करती हूँ ना तो थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है बिकॉज हर एक प्रोसेस आप देख पा रहे हैं कि नहीं, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो मैं फटाफट खाना बना लिया और पता ही नहीं चला कि मैंने इसके बाद क्या डाला। तो दोनों बच्चे उठ गए और दोनों बच्चों का खाने का टाइम हो गया, पर मैंने सबसे आधा घंटा मांगा और आधे घंटे में मैं सब कुछ रेडी कर दूंगी, आई प्रॉमिस। ये हमारा अच्छे से कुक हो गया, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा और हल्दी और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। इसमें मैं डाल दूंगी बॉईल हुआ तूर का दाल, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पाइनएप्पल पेस्ट, बहुत यम्मी है। अभी इसमें मैं डालूंगी जो बना हुआ होममेड सांबर मसाला है वो, अब
अभी इसको हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से पका लेंगे। चख के देखना तो बनता है। I can't tell you how yummy this is. नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ मूली का पराठा, जिसके लिए आपको चाहिए होगा किसा हुआ मूली, आटा, प्लेन वीट आटा, सेसमी पेस्ट और घर पे बनाया हुआ एक सांबर मसाला जो मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने बनाया। और अगर आपने इस मसाले का वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी मैं आटे में मिलाऊंगी किसा हुआ। क्या बनाने के बाद खाओगे ना लियाना? इसमें नमक वमक सब कुछ दिया हुआ है। ये इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ फ्यू दाल और जीरा, धनिया, मेथी, ये सबको मैं अच्छे से मिला लूंगी। इसको कैसे खाओगे लियाना? ये तो अभी बनाया ही नहीं, मम्मा बना रही है ना। इसमें मैं डालूंगी सेसमी सीड पेस्ट, इसको मैं अच्छे से गोंद लूंगी। एक्चुअली इस टाइम पे लियाना खाना खाती है ना, तो इसलिए उसको भूख लग गई है। एंड जब रोटी अलग अलग किस्म के बने तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। फिर से याद दिला दूं, जो भी मैं बना रही हूँ वो है डायबिटिक फ्रेंडली एंड बेबी फ्रेंडली। याना दिस इज कच्चा बच्चा। अभी देखो मैंने कितना, आज मम्मा ने पाइनएप्पल रसम बनाया स्कूल का रेसिपी देख के। खा लिया ना? इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच घी एंड माय मूली पराठा का आटा इज फुल्ली रेडी। तो हमारा डो कुछ इस प्रकार बन गया है। इसको हम 5 मिनट साइड में रखेंगे और फिर इसका हम प्यारा प्यारा सा रोटी बना देंगे ना। अभी मैं इसका रोटी बनाने जा रही हूँ। सॉफ्ट है तो इसीलिए हल्का हल्का चिपक रहा है, बट आई डोंट माइंड। इसको मैं प्यार से निकाल लूंगी और इसमें मैं लगाऊंगी घी। घी का इस्तेमाल आप कम ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन ये खाएगा। जैसे कि पापा के लिए जब मैं बनाऊंगी तब मैं घी यूज नहीं करूंगी क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी घी है। बच्चों के लिए मैं घी यूज कर रही हूँ बिकॉज दे कैन स्टिल हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू ग्रो। हमारा पराठा बन गया है और ये तैयार। सीरियसली इट्स रियली यम्मी। It's really a task, man, to shoot all these things. जैसे किचन में फट 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 बन जाता है क्योंकि सब कुछ नजदीक है, बट सब कुछ रेडी करके बालकनी में लाके आप लोगों के लिए शूट करना इट्स लिटिल डिफिकल्ट। अब मैं बनाने जा रही हूँ बार्नयार्ड मिलेट फ्राइड राइस। मतलब सिंपल राइस के बदले में हम बार्नयार्ड मिलेट यूज कर रहे हैं। बार्नयार्ड मिलेट इज अगेन वेरी लो इन कैलोरी, लो इन कार्ब्स, इट्स गुड फॉर डायबिटीज, शुगर शूट अप नहीं करता है। So it is a very good grain to incorporate if you are diabetic. और बच्चों के लिए भी अच्छा है क्योंकि बच्चे नॉर्मल आटा भी जैसे मैं देती हूँ, चावल भी देती हूँ, अलग अलग ग्रेन्स की अलग अलग जो पौष्टिकता है वो भी मिल जाता है अलग अलग दिन में। तो इसके लिए चाहिए बार्नयार्ड मिलेट। दिस इज हाफ कुक्ड बार्नयार्ड मिलेट, थोड़ा सा बारीक कटी हुई बीन्स।
ये है रेड एंड येलो बेल पेपर्स एंड दिस इज चॉप्ड गार्लिक और ये है सेसमी सीड। अभी आपको लगेगा कि यू नो मैं हर जगह सेसमी सीड का पेस्ट क्यों दे रही हूँ। इट इज़ बिकॉज सेसमी सीड इज वेरी हाई इन कैल्शियम। आपको तो पता ही है कि लियाना का दूध मैं काफ़ी टाइम पहले बंद कर दिया था और दिविशा का भी दूध यू नो चार दिन हो गया बिल्कुल बंद हो गया। रात का भी यू नो रात को पहले बार बार उठती थी इहीं कर के और बार बार दूध पीती थी। डॉक्टर एंड स्कूल के प्रिंसिपल के एडवाइस से हम लोगों ने यू नो वी जस्ट वेंट कोल्ड टर्की मीन्स एकदम बंद, क्योंकि आप नान नुकुर करते करते बच्चों को एक दिन दे देते हो ना तो बच्चों को पता चल जाता है कि इस लेवल पे रोऊंगी या इससे और एक लेवल ज्यादा रोऊंगी तो दूध मिल ही जाएगा, पेरेंट्स विल गिव इन। बट आई दिल पे पत्थर रख के मैंने वो बंद किया और एक्चुअली दिविशा पूरी रात सोने लगी, नहीं तो बहुत उठती थी। खैर ये अलग टॉपिक है, इनकेस इफ यू वॉन्ट मी टू डिस्कस ऑन दिस मुझे लिख के भेजिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। Oh, now let's get started with this. मैं थोड़ा सा घी डालूंगी शुरुआत में। इसमें मैं डालूंगी बारीक कटी हुई गार्लिक, कटे हुए बीन्स, कटे हुए रेड एंड येलो बेल पेपर्स। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, इसमें मैं डालूंगी द हाफ कुक बार्नयार्ड मिलेट, इसमें मैं डालूंगी सेसमी सीड पेस्ट। मुझे सेसमी सीड का जो फ्लेवर है वो काफी अच्छा लगता है एंड जैसे मैंने कहा है यू नो मैं मार्केट का खरीदा हुआ सेसमी सीड या सांबर मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ तो घर पे बना रही हूँ। तो घर पे क्योंकि प्रिजर्वेटिव दिया हुआ नहीं होता है, आप उसको बहुत ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हो, तो जैसे मैं बनाती हूँ मैं वैसे वैसे उसको मोस्टली जो भी खाना बनाती हूँ उसी सेम फ्लेवर में खाना वो बनता है, तो क्या होता है वो यूज़ अप भी हो जाता है और फ्रिज में स्टैक अप नहीं होता है। थोड़ा सा पानी और कुकर का ढक्कन लगा के इसको मैं अच्छे से कुक करूंगी ताकि जो वेजिटेबल्स है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। और बार्नयार्ड मिलेट थोड़ा सा टफ मिलेट है तो बच्चे इतना आसानी से उसको खा नहीं पाते हैं, बट हम मम्मियां कहां जल्दी मानने वाले में से है, हम उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पका के एक्स्ट्रा सॉफ्ट करके खिला देते हैं। जैसे ये सीटी मार लेगा हमारा खाना बन के हो जाएगा तैयार, तब तक हम लोग बच्चों को बिठा देते खाने के लिए। बच्चों को बहुत कस के भूख लगी, चलिए प्लेट में सर्व कर देते हैं। पराठा पाइनएप्पल रसम ये बन के तैयार हो गया है। लियाना का प्लेट रेडी है, बिल्कुल टच मत करना लियाना, इट इज वेरी वेरी हॉट। ओके Listen, you can start with the paratha. Yes. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Do paratha. अभी मैं बनाने जा रही हूँ ड्रमस्टिक सूप। इसके लिए आपको चाहिए जाहिर सी बात है ड्रमस्टिक। मैंने ड्रमस्टिक को ऑलरेडी पानी में उबाल लिया है, कुछ नहीं किया है उसको यू नो पीस पीस करके काट के पानी में उबाल लिया है। तो हमारे पास ये पल्प बन के रेडी हो गया है, अब सूप बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले तो बस देखा जाए तो प्रिपरेशन ही था। मैं डालूंगी थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा लहसुन, लहसुन को मैं हल्का सा फ्राई कर लूंगी, फिर ड्रमस्टिक का जो मैंने पल्प निकाला है उसको मैं इसमें डाल दूंगी।
सो ड्रमस्टिक उबाला हुआ जो पानी है मैं उसी से इसको और अच्छे से कटोरी को वॉश ऑफ करके ले लूंगी। देखा जाए तो हमारा सूप एक्चुअली बनके तैयार। इसमें मैं डालूंगी नमक और काली मिर्च पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा बच्चे पियेंगे। ये सॉल्ट एंड दिस इज ब्लैक पेपर। हो गया है मेरा सूप तैयार, ये बॉईल हो जाएगा तो ब्यूटीफुल हेल्थी विंटर सूप बनके तैयार हो जाएगा। इसको हम अभी ढक देंगे और देने से पहले, सर्व करने से पहले इसको आप छान सकते हैं अगर बच्चे पी रहे हैं, और बड़े पी रहे तो थोड़ा सा चबा के खा ले सकते हैं। दैट्स इट। सो हो गया है हेल्थी गर्मा गर्म सूप तैयार। अभी ये मम्मा बिल्कुल फ्री है और अभी जाएगी वर्कआउट वगैरह करने। लेकिन उससे पहले एक सबसे अच्छी चीज़, आई मीन द बेस्ट वे जो मैं इस वीडियो में दिखाना चाहती हूँ, द बेस्ट वे टू फिनिश ऑफ 2023 इज बाय अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग लियाना एंड दिविशा ऑफिशियल्स ग्रीन बटन जो हमें मिल चुका है, सो थैंक यू सो मच। हाय, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही स्पेशल अनबॉक्सिंग है, ये आप मिस नहीं करना चाहते हो। बैठ जाओ। हाँ चलो इसको खोलते हैं। मुझे क्यों लग रहा है इसके अंदर क्या है मुझे पता है। Well, मैंने लियाना के लिए बूट्स खरीदे, बूटीज आ गए। मैंने कहाँ से खरीदे, अगर ये जूता अच्छा लगे तो फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखो इनके हिसाब से जब जूते खरीदते तो डाइने पैर पहले पहन के खरीदते हैं, क्योंकि डाइना पैर बड़ा होता है। ऐसा आप लोगों का भी है क्या? हैंगर आ गया, हैंगर, बेबी हैंगर। इससे प्रणय का बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि दिविशा के अलमारी में हैंगर कम है, तो दिविशा ये हैंगर तुम्हारे हैं। अभी तुम अपना कपड़े को इस्त्री करके हैंगर में लटका सकती हो। तो वेल, जो चीज अनबॉक्सिंग करने के लिए हम बैठे हैं, एक छोड़, वो है ये। So this year ends with lots of gratitude because Liana Divisha official has also got the silver button. वैसे तो हम लोगों को पहले ही मिल गया था, लेकिन you know थोड़ा बहुत जो भागा दौड़ी के कारण इसको हम अनबॉक्सिंग नहीं कर पाए, और आप लोगों के बिना अनबॉक्सिंग तो हो ही नहीं पाता, तो आज हम आप लोगों के सामने ही कर रहे हैं। इसमें आया है चिट्ठी, और इसमें क्या है, वाओ, ये चिट्ठी जिसमें लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन। डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर? इन लोगों के फर्स्ट सब्सक्राइबर वैसे तो मैं थी, तो सो लियाना एंड दिविशा से थैंक यू सो मच।